जब सीमेन में पस सेल होगा तो स्पर्म की क्वालिटी में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल क्वालिटी खराब हो जाएगी, बिल्कुल क्वालिटी खराब होने की संभावना होती है, क्वालिटी खराब हो सकती है। क्यों खराब हो सकती है? क्योंकि जो पस सेल है वो दो काम करते हैं। पहले तो बता दूं, जो पस सेल है वो वहां पर एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं जो डायरेक्टली आपके सीमेन के जो स्पर्म है, मतलब सीमेन में जो शुक्राणु हैं, उनके न्यूक्लियस को डैमेज कर देते हैं। अब उसके न्यूक्लियस को डैमेज कर देंगे तो जो नॉर्मल शुक्राणु होगा वो आपका नॉर्मल नहीं कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मल शुक्राणु तब होगा जब उसका न्यूक्लियस बिल्कुल नॉर्मल हो, हेल्दी हो। लेकिन पस सेल क्या करता है, वो नॉर्मल शुक्राणु के न्यूक्लियस को डैमेज कर देता है, क्योंकि पस सेल बनाते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, जो बहुत अधिक टॉक्सिक मटेरियल होता है हमारी बॉडी के लिए। कहीं भी बन जाए टॉक्सिक होता है, यदि सीमेन में बनता है, पस सेल है तो सीमेन में बनेगा, और वो आपके स्पर्म के न्यूक्लियस को डैमेज कर देगा, और जो कहीं ना कहीं जब वो अंडाणु से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, तो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, या प्रेगनेंसी प्रॉपर नहीं कर पाएगा, या फिर जेनेटिक डिफेक्ट ला सकता है बच्चे में। और दूसरा वो क्या करता है, जो पस सेल उसकी मोटिलिटी को, मतलब उसकी स्पीड को कम कर देगा, तो स्पीड कम कर देगा, और जो स्पीड कम करने के कारण जो शुक्राणु अंडे तक पहुंचेगा तो उसके पास जो पावर होनी चाहिए उसको फर्टिलाइज करने की, उससे मिलने की, वो एनर्जी उसके पास नहीं बचती है, क्योंकि वो साथ में पस सेल को भी लेके आता है, पस सेल उसमें चिपक जाती है। तो जिस कारण से जो एनर्जी खुद को चलाने के लिए चाहिए होती है, वो एक्स्ट्रा बर्डन, मतलब जो एक्स्ट्रा सेल जो चिपका हुआ है, लदा हुआ है, उसको लाने में भी खर्च हो जाती है, और वो प्रॉपरली फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। इसलिए जो क्वालिटी है स्पर्म की वो आपकी खराब हो सकती है, शुक्राणु की जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है, यदि आपके सीमेन में पस है तो। ठीक, इसका आप ट्रीटमेंट करवाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, तभी आप हेल्दी स्पर्म को अंडा से मिल पाएंगे और प्रेगनेंसी करवा पाएंगे। लेकिन यदि ये कंडीशन बनी रहेगी, क्वालिटी खराब रहेगी, तो फाइनली आपको प्रेगनेंसी की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और यदि होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, 3 से 5 के बीच में, कोई शुल्क नहीं लगता है, परामर्श ले सकते हैं, लेकिन टाइमिंग है 3 से 5 के बीच में।